सो ये मेरे पीछे जो देख रहे हो ना वो सारे RC 90s है, मतलब KTM का हमारे भारत में जो भी गाड़ी मिलता है ये सबसे पावरफुल गाड़ी है, और ये है RC कप। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि कितना कमाल होने वाला है, क्योंकि इससे जीतने वाले यहाँ पे जो जीतेंगे यहाँ से टॉप 10 जाएंगे, चेन्नई में रेस होगा, उसके बाद ऑल इंडिया जो चैंपियन होगा उन्हें ऑस्ट्रिया जाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ का जो सीन है ना, टोटल यहाँ पर आज 55 राइडर्स है, 55 उनमें से 10 लोग सिलेक्ट होंगे। तो पहले तो जैसे 3 क्लासेस चलेगा, मतलब एक लैप दिया जाएगा, फिर एक क्लास चलेगा, फिर लैप दिया जाएगा, फिर क्लास चलेगा, ऐसा टोटल लैप टोटल और 3 क्लास चलेगा। उसके बाद जैसे इंडिविजुअल लैप लिया जाएगा, उसमें जो क्विकेस्ट होगा तो उस हिसाब से 1 से 10 के बीच में चूज होगा, मतलब 1 से 55 के बीच में 10 को सिलेक्ट किया जाएगा। उन 10 को 26 तारीख को इसी मंथ के 26 फरवरी को टूर्नामेंट है वहाँ पे, जो मेन फाइनल है आपका इंडिया कप है, तो वहाँ पे लिया जाएगा। टोटल 26 राइडर्स होंगे, 26 से 20 राइडर्स होंगे, और उनके बीच में जो चैंपियनशिप होगा, जो जीतेंगे उनमें से 3 लोग जाने वाले ऑस्ट्रेलिया। आज हम लोग KTM के बारे में देखने वाले इस वीडियो में उसका रेस देखने वाले हैं बहुत ही सारे प्रोफेशनल रेसर्स के द्वारा। इस KTM के खूबसूरत 390 के बारे में हम लोग जानने वाले, कुछ टेक्निकल चीजें कि गाड़ी में क्या क्या चीज है। फिर मैं रेस ट्रैक के अंदर से जाकर रेस देखने वाला हूँ, हम लोग कुछ रेस के टिप्स लेने वाले, सीखने वाले प्रोफेशनल रेसर से। फिर एक नेशनल चैंपियन का हम लोग इंटरव्यू लेने वाले जिन्होंने हमारे भारत को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद रेस में मैं खुद उतरने वाला हूँ। सो ये आज के हमारे प्रोफेशनल 3 रेसर्स हैं। ये बेसिकली एक टीम है जिनका नाम है गस्टो रेसिंग, तो उनसे आए। तो यहाँ पे अभी जो आपने जो बाइक चलाते हुए देखा ना, वो ये भैया लगे थे। तो अभी यहाँ पे ट्रैक है वो चेक कर रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि छोटा है ना, तो कहाँ से घूमे कहाँ से ना घूमे तो उसके ऊपर ये सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो दूसरे रेसर्स हैं ना वो तैयार हो रहे हैं। अब ये जो सारे बाइक्स हैं वो लेके जाएंगे, अब वो रेस करेंगे। बेसिकली ये उन लोगों का ही रेस है, तो इनमें से जो जीतता है वो टॉप 10 जाएगा चेन्नई में। ये अलग मजा है, वो मोटर जीपी जैसा वो साउंड नहीं है जो सुपर बाइक का जो होता है, और जैसे बात है सुपर बाइक नहीं है बट तगड़ा है वो। वो बेसिकली ब्रीफिंग चल रहा है, जितने भी राइडर्स हैं ना उनको बताया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअली ये है आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बताया जा रहा है, बट उसके बाद एक क्लास चलेगा प्रॉपर राइडिंग के बारे में। यहाँ पे सभी कोई प्रोफेशनल रेसर्स नहीं है, 2-3 को छोड़ के जो सिखाने आए हैं तो सभी प्रोफेशनल नहीं है। राइड तो सभी करते हैं बट एक सड़क पे राइड करना और ट्रैक पे राइड करने में बहुत डिफरेंस होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनका नाम है इमैनुअल जिब्बराज, ये हमारे भारत के 7 बार के चैंपियन है और हमारे भारत को दुनिया में अलग अलग जगह रिप्रेजेंट कर चुके हैं रेसिंग में। तो इनसे जब ब्रीफिंग हो जाए तो आपको आना है इस सेक्शन पे, और ये पीछे वाला हिस्सा देख रहे हो ना, यहाँ पे सारे राइडिंग गियर्स है, मतलब जिनके पास नहीं है वो भी अवेलेबल करा रहे, सूट जैकेट पैंट। मेरे पास भी नहीं है तो मुझे भी यही सब मिलने वाला है। फिर सामान लेने के बाद आप यहाँ पे आते हो, ये है रेस एकेडमी। तो यहाँ पे प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर द्वारा आपको रेस के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। सो ये वाला है आपका रेस एकेडमी, मतलब जो भी रेसर्स इसमें कम्पीट कर रहे हैं उन सबको प्रॉपर चीज बताया जा रहा है, क्योंकि आपको ट्रैक पे उतर के करना क्या है। क्योंकि जो मैंने पहले कहा, पता नहीं पहले कहा कि नहीं, कि अगर आप नॉर्मल सड़क पे चलाते हो वो दूसरा चीज़, आप ट्रैक पे चलाते हो लीन करते हो एक प्रॉपर रेसिंग बाइक के साथ, तो वो सिनेरियो अलग होता है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है, ये प्रोफेशनल लोग हैं, मतलब गस्टो टीम के प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर हैं, सारे चीज़ों समझा रहे हैं। यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद राइडर्स उतरते हैं ट्रैक पे और 5 से 6 लैप मारते हैं बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करते हुए।
ग्रुप में हुआ, अभी जितना हो रहा सारा इंडिविजुअल हो रहा है। तो ये जितने लोग कर रहे हैं, ये जितना क्विक करेंगे उसी हिसाब से फिर इनका निर्धारित किया जाएगा कि जिसने जल्दी करा है वही सिलेक्ट होगा, मतलब जीतेगा। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये जो वायरस जो गया है, तो ये यहाँ से ट्रैक कर रहा है, मतलब वो कितने टाइम में निकले और कितने टाइम में एंटर करे, वो यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसा आपने देखा होगा जो टोल प्लाजा होता है, जो जितना जो टोल होता है, टोल पे वहाँ पे देखोगे मेटल का पट्टी दिया हुआ रहता है, सेम वही चीज़ यहाँ पे कर रहा है, जो वायर है डाला हुआ है। तो ये उनका जो चल रहा है, ये आपका मतलब वार्म अप लैग है। अब यहाँ पर ग्रीन फ्लैग मिल गया, उनको जितना हो सके क्विक करना है ताकि दूसरे के आगे आ सके। तो ये यहाँ पे सारे जितने बाइक्स हैं ना, उन सबको सबके जो टाइमिंग है जो लैब के, उसके उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हर गाड़ी के अंदर सेंसर लगा हुआ है, तो हर गाड़ी के इंडिविजुअल डेटा इनको यहाँ पे मिल रहा है। तो उसी से वो जो कितना टाइम वो लोग ले रहे हैं एक लैब कंप्लीट करने में, तो उससे वो ट्रैक करेंगे और ट्रैक करके डिसाइड करेंगे कौन विनर है क्या है। तो ये देख रहे हो ये सेंसर है, तो ये सेंसर पूरा ट्रैक कर रहा है पूरा एकदम प्रिसाइजली, मतलब जितना भी हो 0.1 सेकेंड जितना भी आगे पीछे हो सब ये एक्यूरेटली ये ट्रैक कर रही है ये छोटी सी सेंसर जो है। तो इसी रेस के बीच मुझे मौका मिला हमारे नेशनल चैंपियन से बात करने का, उनसे कुछ टिप्स लेने का, जानने का कि हम लोग कैसे रेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखो हमारे में सभी में कभी ना कभी ये चीज हुआ होगा कि रेस करना चाहे, क्या लगता है, कैसे लगता है। सो कैन यू टेल मी हाउ कैन एनीवन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच? Yeah, they can attend Racing Academy, which has been happening in Gusto Racing Academy, and there are many events happening all over India, like many teams are representing. Okay. So it would be a better start if they go to a Racing Academy and get trained by the best trainers, so they can able to learn the basics. Main thing, so how much money you need to start? Do anyone have to pick their own bike? Yeah, Academy also provides the bike. Okay. For rent, and even for leathers has been provided as rent to the riders who begin their racing. Okay. So I prefer if they buy a new leather and a full suit, boots and a glove and a helmet for themselves, it would be useful for them to start their career. What's the fees? How much they have to pay? In monthly or yearly? Okay, it depends upon the track which they get their rent. Okay. Because the academy used to pay the rent to the tracks. Okay. So it depends on the track which they are making their academy. It would be costing minimum around like 15,000 to 20,000. Per month? Per 2 days. For two days? For 2 days. For 2 days of training? It's minimum, I'm saying, approx. Minimum. So ye, matlab jo sports hai na, wo mehenga hai. क्योंकि आपको 2 दिन के लिए जो सबसे मिनिमम आपको पे करना पड़ता है 10 से 15 से 20 हजार भी जा सकता है, ये सबसे मिनिमम भाई बता रहे हैं। उससे ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है ट्रैक के ऊपर कौन सा ट्रैक है। अब जैसे ये सब ट्रैक का थोड़ा कम पड़ेगा, बट आप जैसे बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जैसा है तो उसका और ज्यादा पड़ेगा, मद्रास वाला जो है उसका और थोड़ा कम पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कौन सा ट्रैक पे हो रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रेसेस। थैंक यू सो मच। डू यू हैव एनी इंस्टाग्राम? या आई हैव इंस्टाग्राम, रबु 0027। ओके। So, आपको नीचे मिल गया, आपको वहां पे आप चेक कर लो, फॉलो कर लो भाई को एकदम रेस वाले खूबसूरत खूबसूरत फोटोज के लिए, वीडियोस। थैंक यू सो मच। तो पूरे दिन इंतजार करने के बाद आखिरकार वो मौका आ गया, यानी कि अब मैं भी रेस में उतरने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिया जा रहा है टोकन जिससे मुझे राइडिंग गियर्स मिलेंगे, और उन राइडिंग गियर्स को मैं लेके फिर रेस में उतरूंगा। सो ये चेंजिंग रूम है। ओह, सो आई एम रेडी, बस थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, जूता बहुत टाइट है। ओके, चलो। एक तो ये जूता टाइट है, ऊपर से ये गाड़ी आदत नहीं है मेरे को, डोमिनार चला चला के आदत है, बड़ा टफ हो रहा सामने से लीन होकर चलाने में। लेट्स सी कैसा चलाता हूँ।
भाई साहब गजब लेवल का पिकअप है यार इसमें। ये भले ही और डोमिनार वाला सेम इंजन है बट वो जो 3-4 जो हॉर्स पावर जो ज्यादा है ना वो लिटरली फील होता है। क्या किक है बॉस। बाइक नंबर 13 बॉस इसका अलग मजा है बट इसमें टॉर्क को लिटरली जो 37 न्यूटन मीटर है वो फील होता है। वो राइडर सामने बहुत स्लो चला रहे थे ट्रस्ट में। अगर सिर्फ वो दो भैया थे जो मेन जो ट्रेनर थे अगर उनके साथ रहता तो बहुत तेज जा सकता था। कुछ नहीं कर सकते। इवेंट खत्म होने के बाद सीधे मैंने कोलकाता का जो सबसे पहला फ्लाइट था रात 8:20 का मैंने वो पकड़ा और सीधे अपने घर में कोलकाता रिटर्न चला गया। आप ये व्लॉग देख सकते हो। भाई क्या ही कमाल का ये एक्सपीरियंस रहा ये आरसी का फर्स्ट टाइम ट्रैक पे गाड़ी चलाना। वैसे अगर आप भी चाहते हो ना तो आप KTM से कॉन्टेक्ट करो, उनका इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर जाकर कॉन्टेक्ट करो जो नेक्स्ट आरसी कप आए तो उसमें कम्पीट करने के लिए। और सच बता रहा हूँ आप सिलेक्ट हो चाहे ना हो बट वो जो एक्सपीरियंस है वो जो सीखने आपको मिलेगा वो आप हमेशा एवरी डे आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल रोड पे भी चलाते हो क्योंकि बेसिक्स तो सब सेम होता है। आप कॉर्नरिंग ना करो बट थोड़ा आपको तो ज्ञान हो जाएगा। तो बहुत कमाल की चीज़ है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। वैसे सिर्फ KTM को ही क्यों, आप मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जो मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू फॉलो मी देयर। सो इसी नोट में आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद। अरे यार अभी खाना बनना था। बाय बाय। ये यूट्यूबर होने का फायदा है कि मैं इस रेस ट्रैक के बीच में मैं खड़ा हो सकता हूँ इसके अंदर। इसके हमारे अलावा यूट्यूबर्स के अलावा किसी का आना अलाउ नहीं है। कमाल है यार ये।